अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ाए कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो सबक देखने वाले हैं जमात नहुम मजमून साइंस है और सबक का नाम है बरके रवां तीसरा सबक। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देर के सबक के सवाल जवाब शुरू करते हैं। नंबर एक, सामने की शक्ल में घरेलू बरकी आलात बरकी दौर में जोड़े दिखाई दे रहे हैं, मुशाहिदा करके मुंदरजा ज़ैल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर एक, घरेलू बरकी आलात किस जोड़ में जोड़े गए हैं? जवाब, घरेलू बरकी आलात मुतवाजी जोड़ में जोड़े गए हैं। नंबर दो, तमाम आलात में बरकी कवा का फ़र्क क्या है? जवाब, तमाम आलात में बरकी कवा का फ़र्क वही होगा जो मुहैया किया जा रहा है। नंबर तीन, क्या आलात से बनने वाली बरकी रौ यकसा है? जवाब, नहीं, क्योंकि आई बराबर वी बटे आर, वी तो सबका एक जैसा है लेकिन आर अलग अलग होने की वजह से आई यानी बहने वाली बरकी रौ भी अलग अलग होगी। नंबर चार, घरों में इसी तरीके के बरकी दौर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जवाब, घरों में इसी तरीके के मुतवाजी जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कोई एक बरकी आला ख़राब हो जाए तो बरकी दौर में बरकी रौ का बहाव जारी रहता है। नंबर पाँच, अगर टीवी बंद हो जाए तो क्या जारी बरकी दौर में रुकावट पैदा होगी? जवाब की वजाहत कीजिए। जवाब, टीवी खराब या बंद हो जाए तो जारी बरकी रौ में बरकी दौर में रुकावट पैदा नहीं होगी क्योंकि आलात मुतवाजी जोड़ में जोड़े गए हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर दो, बरकी दौर में किसी जुज यानी आले से जोड़ा जाता है, उसकी अलामत दी हुई है, उनकी मदद से बरकी दौर को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर बरकी दौर की जो खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पर बाजू में दिए हुए जो आलात हैं उनको जोड़ना है, ये है इसका जवाब। इस तरीके से जोड़ना है, मुज़ाहमत बोल्ट इसी तरीके से स्विच है और बरकी खाना वगैरह। सवाल नंबर तीन, दानिश के पास 15 ओहम और 30 ओहम मज़ाहमत वाले दो बरकी बल्ब हैं, इसे वो बल्ब बरकी दौर में जोड़ना है लेकिन अगर वो एक एक बल्ब को अलग अलग जोड़े तो वो ज़ाय हो जाते हैं, तो नंबर एक, इन बल्ब को किस तरीके से जोड़ना पड़ेगा? इन बल्ब को मुतवाजी जोड़ में जोड़ना पड़ेगा। जवाब, नंबर दो, दर्ज बाला सवाल के जवाब के मुताबिक बल्ब जोड़ने के तरीके की खसूसियात बताइए। जवाब, इस जोड़ की खसूसियत ये है कि अगर एक बल्ब का फ्लामेंट टूट भी जाए तो बरकी दौर से बरकी रौ का बहाव जारी रहेगा। अगला सवाल, ऊपर दिए हुए तरीके से बल्ब जोड़ने पर बरकी मुज़ाहमत कितनी होगी? जवाब, इस तरीके से जोड़ने पर कुल मजमूई मुज़ाहमत मुतवाजी जोड़ के जाप्ते से हासिल होगी। जवाब है इसका 10 ओहम। अगला सवाल, सवाल नंबर चार, मंदरजा ज़ैल जदवल में बरकी रौ ए में से और बरकी कवा का फर्क वी में दिया गया है, ए बरकी दौर बरकी रौ और वी बरकी कवा का फर्क, जदवल की मदद से औसत मज़ाहमत मालूम कीजिए। इन बल्ब को मुतवाजी जोड़ में जोड़ना पड़ेगा, जदवल की मदद से औसत मुज़ाहमत मालूम कीजिए। जवाब, औसत मुज़ाहमत आखिर में दी गई है 0.44 ओहम। नंबर दो, कौन सा उसूल साबित होता है? जवाब, ओहम के कानून की तस्दीक होती है। नंबर पाँच, जोड़ियाँ लगाइए, कॉलम अलिफ और कॉलम बे की जोड़ियाँ लगानी है,
जवाब इस तरीके से है, पहला सी में, दूसरा ए, तीसरा तीसरे की जोड़ी डी है और चौथे की जोड़ी बी में जाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। एक्स लंबाई के तार की मजाहमत आर हो तो उस तार की अर्जी तराश का रकबा ए हो तो उस मुअस्सिल की मजाहमत कितनी होगी और उसकी पैमाइश किस इकाई में की जाएगी। जवाब इस तरीके से उसे हल करना होगा और उसकी जो इकाई है वो ओहम मीटर पर है। सवाल ये है सातवां, मुजाहमत आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर को शक्ल में दिखाए गए तरीके से मुताबिक जोड़ा गया है। एस वन और एस टू दो स्विच हैं। नीचे दिए हुए नुकात की मदद से मुजाहमत में से गुजरने वाले बरकी बहाव के बारे में बहस कीजिए। देखिए सवाल है, स्विच एस वन और एस टू दोनों को बंद किया गया। जवाब, दोनों स्विच S1 और S2 बंद हों तो पूरा बरकी दौर मुकम्मल होगा और बरकी रो यानी आई हर मुजाहमत में से गुजरेगी। नंबर दो, स्विच S1 और S2 दोनों को खुला रखा गया। जवाब, बरकी रो R1, R3, R1 और फिर R4 से गुजरेगी, लेकिन चूंकि दोनों स्विच खुले हुए हैं इसलिए R2 से नहीं गुजरेगी। नंबर तीन, स्विच S1 को बंद किया गया और स्विच S2 को खुला रखा गया। जवाब, S1 स्विच बंद है इसलिए बरकी रो R3, R1, R2 से गुजरेगी लेकिन R4 से नहीं गुजरेगी। सवाल नंबर आठ, X1, X2 और X3, यहां पर ये X1, X नहीं बल्कि X1, X2 और X3 है। पैमाइश की तीन मजाहमतें बरकी दौर में अलाहिदा अलाहिदा तरीके से जोड़ने पर वाके होने वाली खसूसियात की फहरिस्त नीचे दी हुई है, वो कौन से जोड़ जोड़े गए हैं। देखिए, X जो है मजमुई मजाहमत है, V जो है बरकी कवा का फर्क है, I जो है बरकी रो है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, X1, X2 और X3 में से I बरकी रो बहती है तो ये जोड़ है मुसलसल जोड़। इस तरीके से दूसरा, x x1 x2 और x3 से ज्यादा है, x जो है ये x1 x2 और x3 से ज्यादा है तो ये मुसलसल जोड़ होगा। नंबर तीन, x जो है ये x1 x2 और x3 से कम है तो ये मुतवाजी जोड़ होगा और x1 x2 और x3 के दरमियान बरकी कवा का फर्क भी यकसा होता है तो ये मुतवाजी जोड़ है। अगला नंबर पांच है, x बराबर X1, X2, X3 है अगरचे तो ये मुसलसल जोड़ होगा। और छठा है, X बराबर एक बटे एक बटे X1 प्लस एक बटे X2 प्लस एक बटे X3, अगर ऐसा है तो ये मुसलसल जोड़ होगा। सवाल नंबर नौ, मिसालें हल कीजिए। एक मीटर लंबे नाइक्रोन तार की मुजाहमत 6 ओहम है, अगर तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर कर दी जाए तो उसकी मुजाहमत कितनी होगी। दिया हुआ है इस तरीके से इसको हल करना है और आखिर में जवाब 4.2 ओहम आएगी कीमत। दूसरी मिसल भी हम लोग देख लेते हैं, अगर दो मुजाहमतों को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो माहिसल मुजाहमत मजमुई मुजाहमत 80 ओहम, अगर मुतवाजी जोड़ में जोड़ा जाए तो मजमुई मुजाहमत 20 ओहम होती है। तो इन मुजाहमतों की कीमतें मालूम कीजिए। अब हल देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हल होगा, ये आधा सवाल होगा, उसके बाद अगला जो है ये है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिएगा इत्मीनान से। जवाब जो है R1 40 आता है और R2 भी 40 आता है। अगला और तीसरा सवाल, एक मौसिल तार से 420 सी बरकी बार 5 मिनट में गुजरता है तो उस तार से गुजरने वाले बरकी रो मालूम कीजिए। यहाँ पर उसका जाप्ता और उसका हल करके बताया गया बरकी रो गुजरने का जो एम्पियर है वो है 1.4।